आसनसोल रेल अनुमंडल में कार्यरत आरपीएफ के जवानों ने रेलवे यात्रियों की जान माल की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए विशेष कार्रवाई की। रेलवे कानून तोड़ने के विभिन्न मामलों में जनवरी से जून तक 6 महीनों में 7,629 लोगों को किया गया गिरफ्तार और कुल 34,84,230 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। आसनसोल रेल अनुमंडल अंतर्गत 6 महीनों में सुरक्षा में तैनात आरपीएफ ने बेहतर कार्य किए हैं, फिर चाहे रेलवे के कानून को तोड़ने का मामला हो या फिर चाइल्ड रेस्क्यू का, महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा देने का हो, सभी विषयों में आरपीएफ ने बेहतर कार्य किए हैं। जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों में बात साबित होती है कि रेलवे की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आसनसोल रेल अनुमंडल के सीनियर कमांडेंट राहुल राज ने आरपीएफ जवानों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्रवाई के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। वर्ष 2024 के जनवरी से लेकर जून महीने तक आसनसोल रेल अनुमंडल के विभिन्न स्टेशनों में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आरपीएफ के इस कार्रवाई से न केवल कानून तोड़ने वालों को सीख मिली बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूला गया। चेन पुलिंग के तहत 562 मामले दर्ज किए गए और 550 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं जुर्माना बाबत 3,34,600 रुपए वसूला गया। बिना अनुमति रेलवे स्टेशन में हॉकरी करने के तहत 1663 केस दर्ज किए गए और 2,250 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 22,92,830 रुपए जुर्माना वसूला गया। मेल, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुषों के विरुद्ध 3,205 मामले दर्ज किए गए और 4,670 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से 8,56,800 रुपए वसूले गए। ट्रेन और स्टेशनों में शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 73 केस दर्ज किए गए और 21,31,210 मिलीलीटर शराब जब्त किया गया तथा 49 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन से मोबाइल, पर्स और अन्य चोरी से जुड़े 21 मामले दर्ज किए हैं और 21 अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि रेलवे की संपत्ति चोरी करने के मामले में 89 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ जवान केवल रेलवे की संपत्ति और यात्री सुरक्षा पर ही ध्यान नहीं देते बल्कि चलती ट्रेनों में चढ़ने और उतरने के क्रम में 6 महीने में महिला पुरुष समेत 9 लोगों को बचाया गया है। विभिन्न स्टेशनों में घर से भागे हुए बच्चों को पकड़कर परिजनों से मिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। आसनसोल रेल अनुमंडल में चाइल्ड रेस्क्यू के तहत 39 लड़के और 42 लड़कियों को भी बचाया गया। कुल मिलाकर आरपीएफ के जवानों ने आपकी यात्रा सुरक्षित एवं बेखौफ हो इसके लिए चौतरफा प्रयास करती आई है और करती रहेगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आई एम डॉक्टर राधा कृष्णा, आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। सो आई डू विजिट दुर्गापुर वंस अ मंथ। आई स्टे हियर फॉर 2 डेज। सो वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.